नहीं देखा है लेकिन तुमसा नहीं देखा। आप मुझे छेड़ रहे हैं। हाय दिया, आप इनको छेड़ रहे हैं का? अरे अम्मा इतना बड़ा मर्द को बोलो ना चुप रहे। बहुरिया तनिक शांत रहो। आप मर्द लोग महिलाओं को समझते क्या है? जब चाह तब छेड़ दिया, जब चाह तब छोड़ दिया। दबोच लेगा। लेकिन अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। Hey, old lady, ये लौंडा तुम्हारा है? बहुत ही बदतमीज लौंडा पैदा किया है आपने। आपने जरा से तमीज नहीं सिखाई है इसको कैसे महिलाओं से बात करते हैं। How to talk to a lady? Old lady, ये तुम्हारा पति है? ये बहुत ही बदतमीज छिछुरा किस्म का आदमी है। प्लीज इसको तलाक दो। ऐसे कैसे तलाक दे देंगे हम? बहुरिया शांत हो जाओ, शांत हो जाए। देखिए ये हमारा ही बेटा है, बचपन से बदतमीज है। कहाँ है ना संगत का असर है। हमारे घर के सामने भी एक जन रहता है ना, कहाँ बोलते हैं उनका, नल्ला कहते हैं सब लोग, उसकी संगत का असर है। What are you talking? अब कैसी बातें कर रही हैं? वो लड़का नल्ला नहीं है। He is not a nalla. He is a very decent boy. बहुत अच्छा लड़का है वो। आपका बॉयफ्रेंड रह चुका है क्या? इस आदमी को मेरी आंखों के सामने से हटा दो। इसकी आंखों में मुझे एक फ्रस्ट्रेटेड लवर दिख रहा है। Who's almost starved. भाई शांत हो जाओ, शांत रहो। तो नहीं माय गॉड, तो आई मिस मनी, मैं यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आई हूँ। प्लीज जल्दी से अ क्लाइंट को बुलाइए। कॉल द क्लाइंट ASAP. क्लिंटन जी बाहर आ जाइए। क्लिंटन नहीं, क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट। सही पकड़े हैं। क्लाइंट तो ये है, ग्राहक को बुलाना पड़ेगा। ग्राहक जी आइए। तनिक आओ आओ। अरे दान आए। तुम ऐसु है महाराज, हम ही है तुम्हारे असली ग्राहक। अब ग्राहक नहीं, आप नाहक हैं। यही है नी चालू चिकनी चाची अम्मा। हमें इनकी बाल बहुत पसंद आ रही। तुमका चाहिए का? नेकी और पूछ पूछ अभी दिलाते हैं। पधारो पधारो। अम्मा जी एक ना, अच्छा 3 दिन से तेल पिलाए रहे हैं, ये लीजिए। मारो आंटी, प्लीज मारो मुझे और मारो। मैंने गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, आप लोगों को सताया है, लेकिन आप लोगों ने मेरी भूख नहीं समझी। मालूम मुझे कितना जलील किया लोगों ने। मैंने उस बात का बदला लिया है। लेकिन गाइस मैं समझ गया, ये मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, और मैं इसके लिए आप लोगों से सबसे जेन्युइनली हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। हम तुमका माफ नहीं, हम तुमका साफ कर देंगे। हाँ आंटी जी, आंटी जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। This time I really want you to go to hell. Bye. तू हमरी है प्रेम की भाषा, लिखती हूँ तुझे रोज जरा सा। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। भाभी जी ये अचानक कैसे बिहेव कर रही हैं आप? दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। आप इतने रूट क्यों हैं मुझसे? रूट फूट छोड़िए आप, कब से नाए नाए हैं ये बताइए। कब से भाभी जी? माफ कीजिएगा, मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ, 1 in the morning and 1 in the night बिफोर गोइंग टू बेड। आई वॉन्ट टू बी स्क्वीकी क्लीन। छी केवल दो बार नहाते हैं आप?
जाइए जाइए यहाँ से जाइए। खेमत उठो बार मतलब? तुझे कितनी बार नहाना चाहिए? दिन में 10 बार नहाना चाहिए? What are you talking? 12 बार। 12 बार नहाते हम हर घंटे में नहाते हैं और अब केवल 2 बार। छी तब भाई चलिए जाइए चलिए। बाबू जी दिस इज नॉट फेयर। देखिए आप दिन में 24 बार नहाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि मैं गंदा हूँ मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। आई विल नॉट बाय दिस। आई विल नॉट। आप गंदे हैं कहे कि आपके पास से हमको स्माइल आ रहा है। भाभी जी स्माइल तो आपको लेके आ जाती है हमारे चेहरे पे। क्या बोले भाभी जी? वो स्मेल कह रही हैं आप। ऐसा ही पकड़े हैं। बदबू आ रहा है आपके पास से, ऐसा लग रहा है जैसे अब जेब में मछलियां लिए घूम रहे हैं। दिस इज इंसल्टिंग भाभी जी, वेरी इंसल्टिंग। मतलब मेरे पास से मछलियों का झोंका आ रहा है आपको? भाभी जी मेरे पास से तो कभी स्ट्रॉबेरी की स्मेल आती है, कभी चॉकलेट की स्मेल आती है, कभी फ्रूटी स्मेल आती है, कभी फ्लारी स्मेल आती है, यानी कि फूलों की स्मेल आती है। What are you talking? हाँ वो जो गंदे नाले के पास फूल उगते हैं वैसा बदबू। तो इस हिसाब से आपने तिवारी जी को तो घर से बाहर निकाल दिया होगा लात मार के। कछु भी, वो तो बहुत साफ सुथरे रहते हैं, वो तो हमारे हाइना है। हाइना तो वो है। वैसे आप हाइजीनिक कहना चाह रही है रश्मि? ऐसा ही पकड़े हैं, वो बहुत साफ सुथरे हैं। माफ कीजिएगा, एक नंबर के निर्घंटी गलीच इंसान है वो। अपने पैर के नाखून देखें, उनके इतने लंबे लंबे नाखून है पैर के उनके, और हाथ के नाखून देखें इतने बड़े बड़े और वो काले अंदर से, और नाक के बाल ऐसे निकले रही हूँ। कछु भी बोलते चुप कीजिए, हम जा रहे थी। एक तो इतना बदबू मारते हैं और फिर कहाँ कहाँ बोलते हैं पता नहीं। ठीक है तोता पा लिया भाभी जी ने यार, बैठे बैठाएगा। आप नल्ले हैं तो आपको क्या लगता है कि दूसरे भी आप ही की तरह खाली बैठे होंगे? बकवास छोड़िए और ये बताइए कि भाभी जी को हुआ क्या है? वो उसे वो कुछ वो जुनूनी बाध्यकारी विकार टाइप का कुछ। दैट्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हाँ हाँ इसी टाइप का कुछ। लेकिन पहले तो नहीं था ये? नहीं पहले था, फिर इलाज कराया तो दब गया, अब फिर उभर रहा है। सिर्फ आप जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार है। एक नंबर के गंदे आदमी हैं आप, गलीस इंसान हैं आप। आपको देख के उनके दिमाग में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। That's why she is like that. She is going through this problem. आपकी वजह से। हमें बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, समझे? हमें तो आप बेरोजगारी के मैल में लिथड़े लिथड़े हुए नजर आते हैं, और आपके पास से मुझे बैल की स्मेल आती है। स्मेल लाइक अ बैल। बकवास बंद कीजिए। आपको देख के लगता है कि आपके अंदर तो इतना ज्यादा मैल ठूसा हुआ है कि अगर उसे 2 घंटे तक पत्थर से ऐसे 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 रगड़े ना तो भी ना चूटे। अच्छा बनियान बेचने से पहले क्या मवेशियों की आप खाल रगड़ते थे क्या? एक बात कान खोल के सुन लीजिए, समझिए, अंगूरी से दूर रहिएगा क्योंकि उसे मैले कुचैले गंदे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी से कौन दूर रहेगा और कौन पास रहेगा ये तो वक्त बताएगा। चल बेटे रुकोते काम पे लग जा। यार शादी में गुल्लो भी आएगी ना? चुप कर, तुझे अपनी पड़ी है भाई। क्यों क्यों क्या यार किलुआ, शादी में जाना बड़ा जरूरी है यार। अबे वो तो समझ में नहीं आ रही है। क्यों यार बता, अभी तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है यार। मेरी बात सुन। हाँ वहाँ पर है ना चिकन और मटन के कोरमे की दावत है रही है सारे, और देखे लट्ठो पीना को भी तो मिलेगी। लेकिन यार वो भुतनी का दोस्त कौन है जो इतना अमीर हो रखा है? अरे कोई दोस्त वोस्त ना है, हम तो ऐसी बारात में शामिल हो रहे हैं। हम तो ऐसी बारात में शामिल हो रहे हैं। अबे घोंचू ऐसे जाएगा तू बारात में इन भिखारियों के लिबास में? कसम खा के कह रही हूँ तुझे तुरंत पहचान लेंगे और पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल देंगे। हाँ यार तू सकल से भिखारी लगता है। अबे सीरियस मैटर चल रहा है यार। मेरे कानों को सारे जे मतलब यार, एक आधा सूट होना चाहिए बढ़िया सा, साथ में एक जोड़ी जूता और परफ्यूम यार, तभी तो बारात में जाने को मतलब है, वरना का मतलब है? ये सारे तीसरी फेल तूने कि हमें तो गए गुजरू समझ रखो है जो एक पैंट को सूट का इंतजाम न कर सकते हम। हाँ क्या बात है सरकार, मैं भी तो जानू कहाँ से इंतजाम होगा। पेड़ पर जो पत्ते लटके होते हैं वो नोट दिखेंगे जो तोड़ लांगे। तू बात क्या ले पेड़ आगो जालिमो। वैसे उम्मीद तो है ना, प्रेम भैया से मांग के देख लियो एक बार। बना दे प्रेम भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्रेम भैया, एक बात करनी थी आपसे।
क्या पूछना चाहते हो? पूछो पूछो लौंडा। प्रेम भैया क्या थोड़ा दिन ठीक ना चल रहा है हमारे, है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें ना 2000 रुपया की हेल्प कर दे, 2000 bucks। क्यों? दरअसल हमें ना एक शादी में जाना है। आप क्या बताएं प्रेम भाई, एक बच्ची की शादी है, उसका कन्यादान करना है, तो हमने सोचा कम से कम 200-300 रुपए तो जेब में होना ही चाहिए। और प्रेम भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करियो, हम पैसे लौटा देंगे। अबे साले लौंडो, लौटाओगे तो तब ना जब मैं तुम्हें एक ढेला भी दे दूं। सालों में तुम्हें एक पैसा नहीं देने वाला हूँ। हाँ प्रेम सुन, मुझे एक 2000 देना यार, सट्टा खेलना है, एक बाबा ने नंबर बताया एकदम सटीक। हाँ क्यों नहीं विभूति, तू तो जानता है मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ हाँ तेरे पास बहुत पैसा है। ये ले। थैंक यू। और सुन, अगर तू जीत गया ना तो इसमें से 75% मेरे और 25% तेरे। मंजूर मंजूर, लो बे लौंडो। और सुनो, मैं पैसे देके एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम पे। लेकिन बुरा मत मानना सेठ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम कोई घटिया काम करवाओगे। ना 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 ना, बड़ा सिंपल सा काम है, तुम्हें तिवारी जी जहाँ भी दिखें साफ सुथरे गंदा करना है उनको, उनके कूड़ा फेंक के कचरा फेंक के, बस सिंपल सा काम है बस। माय गॉड वेरी सिंपल। जहाँ मैं गया भैया हो जाओगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भैया लेकिन एक बात बताओ कि कचरा बार बार फेंकना है या एक बार फेंकना है? बार बार फेंकना है, जब भी तिवारी जी दिखे साफ सुथरे कचरा फेंको गंदा करो। लेकिन बार बार के हिसाब से तो 2000 कम लग रहे हैं। कम लग रहे हैं? लो, लो। वो दौड़ने मिलेंगे शहर में। मालिक मालिक सर पिट जाओ, वो कमीने। हो जाओ भैया, बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, हो जाओ काम। हो जाएगा, हो जाएगा। और प्रेम 500 देना यार, जेब खर्चे के लिए बाल कटवाने यार। रहता है यार आदमी। हाँ हरप्रिया मौसी, नहीं अम्मा से कहेंगे कि तुम्हें कॉल करे। अरे अब अम्मा को तो तुम जानती हो, उनका गुस्सा जो है एकदम नाक पे धरा रहता है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। अरे नमस्ते तिवारी भाई। नमस्कार मास्टर। हाँ मासी, हम अम्मा से कॉल करवाते हैं। ठीक बा। और मास साहब कैसे हैं, सब बढ़िया? बस भैया जी रहे हैं किसी तरह से। बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ। पर तनख्वाह है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ओहो, अब तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तो आप बढ़ जाइए। मतलब? मतलब ये कि कुछ जुगाड़ बुगाड़ लड़ाइए कुछ ऊपर वाले लोगों को कछु। भैया आपका कोई जुगाड़ है? भाई हमारा सरकारी कर्मचारियों से क्या काम, आप कछु पैसा वैसा खिलाइए ऊपर। संस्कार नाम का चीज है ने? दादो तमीज है कि नहीं एक अच्छे इंसान पर? मेरा मतलब एक अच्छे इंसान पर तुमने कचरा फेंक दिया। ओह माय गॉड, ब्लेंडर मिस्टेक, सॉरी भैया। सॉरी के बच्चे, हम तो डस्टबिन नजर आते। हाँ भैया। कब है? मेरा मतलब भैया माफ कर दो, गलती है गई। अंगूरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाय दिया। हाँ हाय दिया। ची ची ची, वही ओ वही रही है, वही रही है। ता ची 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 ची, का कर रही हो? जाही हाथे, हमको गिल्टी आ रहा है। अरे उल्टी होता पगली, ऐसा ही पकड़े हैं। जाइए ना कराइए आप, जाइए। अरे 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 का अरे मत, अरे का कर रही हो, का कर रही हो? उल्टी मत करो, उल्टी मत करो, तू का करे, जाइए ना के आइए। अरे एक मिनट यार, कहाँ नहा के आए? सड़क पे नहा के आएगा? रोड पे नहाए, चौराहे पे नहाए, कहीं भी नहाए, लेकिन घर में नहाए घुसने दे सकती हम? अरे एक मिनट, एक मिनट, तू पापा पगला गई होगा, हमारा घर है, हम चौराहे पर या सड़क पर काहे नहाए? आप घर में आएंगे, बदबू आएगा, बहुत बहुत गंदे और मैले और बदबूदार हो रहे हैं, जाइए नहा के आइए। एक मिनट, काम करते हैं, सुनो, हम ना सीधे ऐसे साइड से जाके बाथरूम में निकल लेंगे, तुम साइड में कमरे में छुप जाना, ठीक बा? चलो हटो। अरे अरे क्या कर रही हो? अंगूरी अंगूरी अंगूरी।
इसकी ओसीडी की बीमारी दोबारा से जग गई है। वो घर सही रहेगा। अरे यार सत्यानाश हो जाए कमबख्त होगा। खाली बैंड बजा के रख दी, अब तो अंगूरी भी घर में घुसने नहीं दे रही है। भाभी जी का सहारा है। बाबूजी जी। ऑलराइट, टेक इट इजी, दरवाजा है यार, आराम से। एक्सक्यूज मी, ओ माय गॉड, इक्स तिवारी जी। लगता है कूड़े का ढेर पे पार्टी करके आए हैं या फिर किसी ने आपको कचरे का डब्बा समझ लिया है। फालतू की बकवास मत करिए, ये बताइए क्या हम आपका स्नान गृह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों, आपके स्नान गृह में पंडित रामपाल बबल बात ले रहे हैं? फिर फालतू की बकवास कर रहे हैं आप। जनाब हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, क्या हम आपका स्नान गृह मतलब बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बी माय गेस्ट, यस। ठीक, अच्छा तो बताइए कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? ऊपर जाएंगे, ऊपर अनु का बाथरूम है। अगर उसे मालूम पड़ा कि मेरे अलावा किसी और ने उसका बाथरूम इस्तेमाल किया है ना, तो पूरा इंटीरियर चेंज करवाएगी और खर्चा आएगा करीब 10-1 लाख रुपए। देंगे क्या आप? नहीं, नीचे वाले में ही ठीक है। ओके गो। तैयार है ना भैया? बिल्कुल तैयार भैया, हम तो ऐसे निकले तिवारी जी नहा धोके, उनको फिर से लथेड़ देना। चिंता मत करो, ऐसा लथेड़ेंगे कि वो याद करेगा। अरे काम करो, मोर्चा संभाल लो। चलो चलो, अबे अंदर का जा रहा है आदमी है, पजामा भरे भैया। और हाँ, मैं जरा मिल के आता हूँ भाभी जी से, बड़े रगड़ रगड़ के नहाया हूँ। मैंने कहा हेलो भाभी जी। भाई भाई रुकिए, खैरिये एक ठो मिनट, हम पहले आपको चोक करेंगे। अभी हम तो ऑलरेडी आपकी मोहब्बत में चोक हो रखे हैं। अक्का बोले भाभी जी आप चेक करना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, हम पहले आपको चेक करेंगे कि आप गंदे तो नहीं हैं। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं? आज मैंने अपने एक एक अंग को बड़ी बारीकी से साफ किया। एब्सोल्युटली स्विकी क्लीन। अच्छा ना? नाखून दिखाइए अपने, थोड़ा यहाँ लाइए। हाँ ठीक बा, अब दांत दिखाइए। अरे वाह, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। ठीक कहा मास्टर साहब, मतलब अपना भाभी जी आपने, मैंने कहा ना आपसे, मैंने अपने हर एक अंग को बड़ी बारीकी से साफ किया है। जिस लाइक आप किसी गाड़ी को ओवरहॉल करते हैं ना, मैंने अपने आप को ओवरहॉल कर दिया है, सफा कर दिए हैं। सफा कर दिए। ठीक बा, अब हमको इन्फेक्शन हो गया है। अभी जी इन्फेक्शन तो हमें हो रखा है आपकी मोहब्बत का। आका बोले, आप सेटिस्फेक्शन कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। अच्छा हमको एक बात बताइए, आप कितनी बार नहा चुके हैं अभी तक? बस भाभी जी हर घंटे में जा रहा हूँ और नहा के आ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं भाभी जी? ये बात जानकर तो हमको सच्ची बहुत खुशी हुआ। एक मत बल है कि आप और हम साथ साथ नहा रहे हैं। भाभी जी ये तो ख्वाब का भी ख्वाब है। आप क्या बोले? मैं कह रहा भाभी जी मैं और आप एक साथ कैसे नहा रहे हैं? मैं तो अपने घर में नहा रहा हूँ ना। हाँ तो हमारे कहने का मतलब है कि जिस टाइम आप नहाते हो, टाइम हम नहा रहे हैं। हुआ इश्क तुझसे नहाते नहाते, ना काबू है खुद पर नहाते नहाते, बड़ी आंधियां चल रही हैं फिजा में नहाते नहाते। क्या फिजा बिगाड़ रहे हो भैया? भाई देवे आप टाइम पास करने क्यों चले आए यहाँ पे? मैं टाइम पास करने आया हूँ जी। भैया आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कैसे, टेल मी व्हाई एंड हाउ। देखिए मैं भाभी जी का यहाँ ट्रीटमेंट करने आया हूँ, और माफ कीजिएगा आप इस समय मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। I'm really sorry. I'm sorry. अच्छा ये नहाने का टाइम हो गया है? या sure. यार हाँ, तिवारी भैया अभी तक आए ना यार। साला वो भुतनी का रगड़ रगड़ के नहा रिया होगा। आन दियो तिवारी भैया को, नहानो धोनो सब बर्बाद है जाएगा।
सुनो तैयार है ना, इसी वक्त बाहर आए पूरा का पूरा कचरा का डब्बा उलट देना इनके ऊपर। चिंता मत करो भैया, डोंट वरी, जा काम में तो हम एक्सपर्ट है रहे हैं। Good, I'm happy for you. मैं फेंकूंगा पहले साफ साफ बोल, मैं फेंकूंगा सर, मैं फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा, पकड़ा देना सर, मैं फेंकूंगा ना, पकड़ा दे सर, मैं फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा, सारे को तो मैं सारे फेंकूंगा, सारे मैं फेंकूंगा सर, मैं फेंकूंगा तो पकड़ दे, मैं फेंकूंगा। बदतमीज, ये क्या कहते हैं? हमने ना करो भैया, ये टिल्लो ना करो सारे ने। भैया, जो धीकला टिल्लू है ना, ये सारे की गलती है। अबे तुम दोनों की गलती है बावलो, तुम दोनों ने जानबूझकर तिवारी सेठ पे कचरा फेंका है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे घटिया आदमी के साथ। मेरा मतलब मेरा मतलब इतने इतने सज्जन इतने बढ़िया आदमी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अब ये बताओ बेचारी भाभी जी के पास तिवारी सेठ कैसे जाएंगे, कैसे? अगर लड्डू के भैया हमारे पास ना ही आएंगे तो हम उनके पास आ जाएंगे। भाभी जी क्या कह रही हैं आप, ये आदमी गंदा गलीच हो रखा है और आपसे आपको तो उसी नहीं है ना भाभी जी? नहीं, हमारा ABCD सब खत्म हो गया है। भाभी जी वो OCD होता है। ऐसे ही पकड़े हैं वो डॉक्टर साहब, हमको ठीक कर दिए। दरअसल क्या है ना, मैंने भाभी जी का टेस्ट चेंज कर दिया है। मतलब पहले भाभी जी को गंदे लोगों से नफरत थी ना, लेकिन अब भाभी जी गंदे लोगों से प्यार करेंगी, मतलब सिर्फ अपने हस्बैंड से। आलू के भैया, वैसे तो आप थोड़ा किंकी हो रखे हैं। भाभी जी किसी भी एंगल से किंकी तो नहीं लग रहे मुझे, सॉरी, आप स्टिंकी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, लेकिन ई परफ्यूम का खुशबू लग रहा है हमको और हम ई खुशबू में नहा लेना चाहते हैं। आइए, ये लो, तो टेबल टर्न हो गया, नाती तोती रहेगी ते मक्खी उत्ते बहेगी। अबे क्या करा गया सारे, मर लपड़ खींचे सारे, बरात लगी है।